नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं रुचित, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों ने तोड़ी आम आदमी की कमर। इंडियन मीडिया सेंटर के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने रेडक्रॉस कार्यालय का किया निरीक्षण। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में परशुराम स्कूल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। माइनिंग कारोबारियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। शिव शक्ति लक्ष्मी मेमोरियल स्कूल में इन्वेस्टर सेरेमनी का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की तोड़ी कमर। 11वें दिन भी पेट्रोल व डीजल के रेटों में आई बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत आज आम आदमी की जेब पर रोक लगा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार 11वें दिन भी बढ़ गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद मानो पेट्रोल व डीजल के रेट के तो पैर लग गए हैं कि भागे ही जा रहे हैं। पहले पेट्रोल व डीजल के दाम 2 से 4 महीने में बढ़ते थे, परंतु अब हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लोगों ने अपना वाहन ले जाने की बजाय पब्लिक वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने वाहनों के होते हुए भी आज अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और पेट्रोल का खर्चा उनके लिए निकालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। वाहन चालकों की मांग है कि पेट्रोल को GST के अंदर लाया जाए। ठीक मिलूंगा, बाकी कारोबार ठीक चलूंगा, पर कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जिमीदार मारा गया, जड़ी जीरी का रेट 4000 रुपये था, 1100 रुपये में बिकी। दाम जिमीदार का मतलब खत्म हो रहा है जी। अंदर कुछ टाइम के अंदर जी 100 रुपये तो होया ही खड़ा। अब भी 100 रुपये समझो लीटर। नहीं नहीं जी, बिल्कुल घटना चाहिए। मरने का क्या मतलब, बढ़िया गया मारा गया। जिमीदार तो बिल्कुल मारा गया, खेती बाड़ी करने वाला बारी बारी को कह नहीं सकते। रेट भी बहुत तेज हो गया। अरे तो ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ कम तो हो नहीं रहा, ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो सब 100 तक पहुँच जाएगा जी, हिसाब से तो 80-100 तक पहुँच जाएगा। तो ग्रिमर हो रही है एक तरह से। तो फिर तो देख, कुछ टाइम की बात थी ना, अब इतना थोड़ा ना पता था कि तेल इतना ज़्यादा हो जाएगा। कुछ तो नहीं है, दुखी हैं जी सारे। दाम बढ़ रहे, 100 रुपये तक पहुँच जाएगा तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लक्ष्मी मालिक, मोदी सरकार को चुना था कि हर चीज़ के रेट कम होंगे, यहाँ तो पेट्रोल के दिन दिन हर दिन रेट बढ़े ही जा रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था, जैसे हम लोग वाहन लेते हैं, लोन लेके वाहन लेते हैं, या रेट इतना पेट्रोल का रेट बढ़ाया हुआ है, ये ऐसे चलेगा तो हम लोग वाहन कैसे रखेंगे। सर, अगली स्थिति 100 रुपये से ऊपर तक जाएगा, जो ये हाल है। इतनी महंगाई तो मोदी सरकार को ही कहेंगे। हाँ जी, होनी चाहिए। ये तो मतलब इसके बिना गुजारा नहीं है ना, इसी के काम दाम में तो कमी होनी चाहिए। हर बच्चे को, हर बड़े को ये वाहन चलाना है। सरकार को यही कहेंगे कि रेट पेट्रोल के रेट बहुत कम करने चाहिए। सर, हमारी, हम तो प्राइवेट जॉब में हैं, इतनी सैलरीज बढ़ती नहीं है जितना पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, जिस रेशियो से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। सर, ये इससे भी ज़्यादा जाएगा, ऊपर जाएगा। एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग, रोज़ ही नया पेट्रोल का रेट होता। सर, ये तो होएगा ही, अगर बिल्कुल ऐसा रहा तो 100 पर लीटर तक जाएगा पेट्रोल। सर, हम तो यही कहेंगे कि सब तरह के लोगों के लिए होना चाहिए, एवरेज लोगों के लिए भी होना चाहिए। सबने अपनी अपनी जीविका चलानी है। सर, जो हर बंदा पुगा सके वो होना चाहिए। 50-60 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अतुल नंदा है जी मेरा नाम। डीजल की खपत करता है सर, और डीजल का रेट जब मैंने गाड़ी ली थी 40 रुपये था कांग्रेस के राज में सर, और आज इसका रेट 68 रुपये हो गया ऑलमोस्ट। तब मोदी सरकार ने यही बात कही थी कि सरकार रेट नहीं बढ़ाएगी इसके, और आज डबल होने को आ गए हैं रेट, और ये लग रहा है कि 100 को पार करेंगे रेट हर हाल में। सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं है सहायता इसमें कि भाई रेट कम किए या GST में ले ले तो तब भी रेट कम हो जाए, लेकिन रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं सर, इससे लगातार बढ़ रहे हैं डीजल के रेट। बिल्कुल सर, GST में आना चाहिए, उससे रेट डाउन आएंगे सर, टैक्स कम हो जाएगा तो अपने आप GST में आके उसमें फ़र्क पड़ेगा सर। नहीं सर, जुमलेबाजी है सर, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा किसी को किसी भी तरीके का। चाहे हमारे से श्रीलंका हमारे से खरीदता है वहाँ पर रेट कम है सर, पाकिस्तान में आप देखो रेट कम है सर। श्रीलंका हमारे से खरीद के हमारे से सस्ता डीजल दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है सर, इंडिया में उससे महंगा है सर। अगर ये पैसा इकट्ठा भी हो रहा है तो सरकार लगा नहीं रही है, कहाँ सहायता मिल रही है? सब्सिडी हर चीज़ पर ख़त्म करी जा रही है सर, कहीं भी किसी चीज़ का फर्क नहीं है सर। इंडियन मीडिया सेंटर के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मीडिया पॉलिसी की खामियों को दूर करने की मांग। इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मीडिया पॉलिसी लागू करने की मांग की गई। इंडियन मीडिया सेंटर के प्रधान वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि सरकार द्वारा जो मीडिया नीति लागू की गई है उनमें कुछ कमियां हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो मीडिया नीति सरकार ने लागू की है वह केवल एग्रीगेटेड पत्रकारों तक सीमित है।
हम चाहते हैं कि यह केवल एग्रीगेटेड पत्रकारों तक सीमित ना रहे, यह पॉलिसी सब पत्रकारों के लिए लागू की जाए ताकि सब पत्रकार इस मीडिया पॉलिसी का लाभ उठा सकें। मौके पर इंडियन मीडिया सेंटर के सभी सदस्य मौजूद थे। ये जो हमने ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि परसों को स्टेट लेवल का प्रोग्राम है नारद जयंती के उपलक्ष्य में, और मुख्यमंत्री जी उसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। तो हमें जो सूचना मिली थी वो सूचना ये मिली थी कि मुख्यमंत्री जी उसी कार्यक्रम में मीडिया पॉलिसी की घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में उसमें ये भी है कि जो मीडिया पॉलिसी है वो सिर्फ उन फोटोग्राफरों के लिए है जिनकी एक्रीडेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने की हुई है। तो इंडियन मीडिया सेंटर, पत्रकार संघ, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सभी ये चाहते हैं कि केवल एक्रीडेशन वाले रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों को ही ये लाभ ना मिले, बल्कि सभी रिपोर्टर और सभी फोटोग्राफरों को लाभ मिले जो मीडिया से जुड़े हुए हैं। उसकी रिपोर्ट अगर सरकार चाहे तो DIPRO ऑफिस से भी ले सकती है, क्योंकि DPRO हमेशा रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों के टच में रहते हैं, उन्हें पता है कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन फर्जी रिपोर्टर है और कौन नहीं है। तो हमारी तो यही एक छोटी सी डिमांड थी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो पत्रकारिता कर रहा है उसको सभी मीडिया पॉलिसी का लाभ मिले। हाँ, तो सभी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना, जब सभी के नाम है, जब सभी रिपोर्टर हैं, सभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी मैगजीन के लिए कर रहा है, किसी लोकल चैनल के लिए कर रहे हैं, तो है तो रिपोर्टर ही ना, वो भी सरकार की योजनाओं को तो वो भी जन जन तक ही पहुँचा रहा है, तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने रेडक्रॉस कार्यालय का किया निरीक्षण। विकास के लिए काम कर रहे अलग अलग NGOs के साथ की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। उपायुक्त एवं रेडक्रॉस समिति के प्रधान गिरीश अरोड़ा ने सेक्टर 17 स्थित रेडक्रॉस कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने रेडक्रॉस सचिव रणदीप राणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत जिला रेडक्रॉस समिति के कार्यालय में स्टार रक्तदाताओं एवं जिला की विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि आज के समय में स्कूल कॉलेज की सभी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। उन्होंने गुज्जर कन्या देवघर की प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि अपने कॉलेज में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे। उन्होंने सभी NGO से सुझाव मांगे और कहा कि सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ऐप बनाया गया है, उसका प्रयोग करें और जहाँ पर भी गंदगी है उसके स्मार्टफोन द्वारा फोटो खींचकर स्वच्छता ऐप पर डाल दें, ताकि उस जगह की सफाई नगर निगम द्वारा जल्द से जल्द करवाई जाए। इसी प्रकार अगर सड़कों पर गड्ढे व टूटी फूटी सड़क पाई जाती है तो उसकी फ़ोटो खींचकर हरपथ ऐप पर डाल दें, ताकि उन सड़कों की मरम्मत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति या संस्था कन्या भ्रूण हत्या करवाने वाले के विषय में किसी प्रकार की सूचना देता है तो उसको सरकार द्वारा 1,00,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। उन्होंने सभी संस्थाओं से अपील की है कि इन सभी सामाजिक कार्य के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि वह उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सके व दूसरों की सहायता कर सके। आज की मीटिंग खास तौर से डी साहब का पहला इंटरेक्शन था रेड क्रॉस के साथ, और वो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ और रेड क्रॉस के साथ जो एक्टिव ब्लड डोनर हैं, स्टार ब्लड डोनर हैं और एक्टिव NGOs हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे रूबरू मिले, और आज उन्होंने सभी NGOs से और सोशल वर्कर से, ख़ास तौर से स्टार ब्लड डोनर्स को अपने हाथों से प्रशंसा पत्र भी दिए, और उन्होंने सभी लोगों की भरपूर अपने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जैसे हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट फ्लड से अफेक्टेड है, और हमारी जितनी भी NGOs आई थी उनका हमेशा फ्लड के दिनों में, फ्लड के राहत कार्यों में बड़ा हाथ रहता है, और उन्होंने उसके कार्यों का भी जायजा लिया और समाज में फैली कुरीतियों का सामना करने के लिए सभी लोगों से सहयोग मांगा, और प्रशासन को भी कहा कि वे लोगों के साथ खड़े हों, सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ करके भाग। मीटिंग में सोशल वर्क के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई कि भाई हमने अपने समाज के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, और क्योंकि बड़े जागरूक लोग हमारे लाइफ मेंबर और ब्लड डोनर हैं, NGOs हैं, स्टार सोशल वर्कर हैं, तो इस बारे में वो पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, और इसी पे ज़्यादा स्ट्रेस था भी आज समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करें, और मुख्यधारा में सभी युवाओं को और हमारे जो पथभ्रष्ट समाज के लोग हैं उनको हम सही दिशा निर्देश दें और उनको प्रेजेंट करें, ताकि वो मुख्यधारा में समाज की भलाई के लिए काम कर सकें।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में परशुराम स्कूल में हुआ समारोह का आयोजन। स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। स्कूल में आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर पर्यावरण बचाने की अपील की। बच्चों ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने का भी संदेश दिया और प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करने की बजाय जूट बैग का प्रयोग करने की सुझाव दिए। कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया। पहले चरण में बच्चों को पर्यावरण बचाने व प्लास्टिक पन्नियों का इस्तेमाल ना करने की शपथ दिलवाई गई। दूसरे चरण में बच्चों ने शहर में इको मार्च निकाला। मार्च में लगभग 600 बच्चों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। तीसरे चरण में स्कूल मैनेजमेंट द्वारा पौधारोपण किया गया और चौथे चरण में पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया और विजेताओं बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैनेजमेंट द्वारा प्रशासन से अपील की गई कि शहर में सफाई व्यवस्था को कायम रखे ताकि चरमराई सफाई व्यवस्था पर अंकुश लग सके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 अंडर द थीम ऑफ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, दिस वाज अवर टाइटल एट द इंटरनेशनल लेवल एंड वी सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स एंड इवेंट्स। First event was appeal by the Society of Environment Management by Research. That appeal was made by Sri Dheeraj Luthra. He emphasized on many aspects of the environment and gave his message to the children as well as the teaching staff. Second event was followed by oath ceremony as well as the flagging of the rally. Oath ceremony, what was the purpose of oath ceremony? We took the oath to beat the plastic pollution by reducing, rejecting, recycling and reusing it so that plastic use can be minimized and in stages as well as removed forever by developing alternate methods, alternate utility activities such as jute bags, paper bags, etc. During the course of the flagging of the rally, there were more than 700 students took part in the rally, and students were bearing the placards and banners. On these banners and placards, different slogans and quotations were narrated to give the message and to sensitize the public of the twin city Yamunanagar Jagadhari. Giving the message, pollution hatao, jeevan bachao, van lagao, jeevan bachao, jal hi jeevan hai, jal hai to kal hai, van hai to hum hai, pahad hai to प्रकृति है, समुद्र है और नदियां हैं तो सुरक्षित जल है। ऐसे कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के नारे लिखे हुए थे, प्लास्टिक को हटाने के नारे लिखे हुए थे। बच्चे जब अपनी ट्विन सिटी में रैली निकाल रहे थे तो लोग हजारों की संख्या में लोग आसपास खड़े हुए देख रहे थे। इससे स्पष्ट शहर में ट्विन सिटी में हमारा संदेश जन जन तक पहुंचा। और तीसरी स्टेज में हमने स्कूल कैंपस पर ऑल गेस्ट्स सोसाइटी ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड बायो रिसर्च, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्कूल का पूरा प्रशासन और बच्चे स्कूल के भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल ने मिलकर के ट्री प्लांटेशन किया। ट्री प्लांटेशन उपरांत एक अन्य ड्राइंग, पेंटिंग एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और जो बच्चे इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे उनको हमने ऑनर किया। ये गतिविधियां आज के जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट सेलिब्रेशन था उसमें हमने की। इसके उपरांत जो प्रेसिडेंट एड्रेस था डॉक्टर के आर भारद्वाज और सलेंडर अरोड़ा जी हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उन्होंने संयुक्त रूप से अपने अपने विचार रखे
भारद्वाज ने अपने संयुक्त रूप में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर विभिन्न प्रकार का डाटा प्रस्तुत किया और जनमानस तक बच्चों के माध्यम से अपना संदेश दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि भारतवर्ष देश उन दुनिया के 20 देशों में से एक है जहां पर प्लास्टिक का प्रयोग सबसे अधिक होता है। 43,200 कुछ के अंदाज़ा मिलियन टन प्लास्टिक रोजाना प्रतिदिन पैदा किया जाता है। इसमें ज़्यादातर रिसाइकलिंग नहीं होती और इस प्रकार जो अनकलेक्टेड प्लास्टिक रह जाता है या तो समुद्रों में जाता है या नदी नालों में जाता है, जिससे वो वाटर पोल्यूशन करता है और ग्राउंड को जो एस्थेटिक वैल्यू है उसको ख़राब कर देता है। तो मेरे नगर निवासियों से, यमुनानगर जगाधरी नगर निवासियों से ये मैं अपील करता हूँ कि कूड़ा करकट, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो हॉस्पिटल से निकलता हो या दुकानदार या अपने घरों से निकलता हो, मेरा सब प्रार्थना है प्रत्येक निवासी से कि कूड़ा करकट को बाहर भेजने से पहले उसको दो भागों में विभक्त कर लें। एक भाग में ऐसा कूड़ा करकट जो गल सड़ सके, दूसरे भाग में ऐसा कूड़ा करकट जो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके। ये ऐसा कूड़ा करकट जिसमें लोहा है, कांच है, प्लास्टिक है, पेपर है, जो बिकने वाले वो आइटम वो अलग से कर लें और जो कूड़ा करकट सड़ने वाला है वो अलग से कर लें। कूड़ा करकट जो सड़ा गला होता है वो बाद में जा करके खाद के रूप में, बिजली के रूप में कई प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार कूड़ा प्रबंध मेरी प्रार्थना है अपने रसोई घर से शुरू करें और कैल जो प्लांट बना हुआ है वहाँ तक इसको मतलब प्रबंध करने के लिए लोगों से अपील है कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अनिवार्य है। ये आज का प्रोग्राम हमने 2.5 घंटे का रखा है। इस 2.5 घंटे में हमने पूरा अपने शहर को, संदेश को, शहर के प्रत्येक निवासी को, प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर से मेरी प्रार्थना है कि नगर पालिका पर ध्यान रखते हुए नगर पालिका को स्पष्ट निर्देश दें कि जो कूड़ा सड़कों के साथ पड़ा हुआ है या इधर उधर पड़ा हुआ है उसका प्रबंधन साइंटिफिक तरीके से करवा कर कैल भेजने का प्रबंध करें। साथ में मेरी ये भी प्रार्थना है कि गवर्नमेंट हरियाणा गौर के माध्यम से जो कैल कूड़ा करकट प्रबंधन नियंत्रण जो परियोजना है वो 2011 से बंद पड़ा है, उसके तुरंत प्रभाव से उसे चलाने का कष्ट करें। ये सरकार, हरियाणा सरकार से मेरी अपील है। जय हिंद। माइनिंग कारोबारियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। समझौते के बाद भी रात को पहरा देते हैं ग्रामीण। प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग। ओवरलोड वाहन रोकने को लेकर साबरपुर में हुआ मामला अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गांव साबरपुर में रात को पहरा दे रहे ग्रामीणों पर भारी संख्या में आए लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने के मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई थी और गांव वालों ने माइनिंग का काम करने वालों पर इस हमले के आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले को लेकर अब माइनिंग कारोबारी भी जिला प्रशासन को मिले और ज्ञापन दिया। लोगों का कहना है कि रात को जो कुछ हुआ वो इन लोगों की शरारत थी या किसी ने किया था, हम नहीं जानते, लेकिन बातचीत के बाद फिर से ये लोग आने जाने वाली गाड़ियों में उगाही करते रहते हैं, उन्हें तंग करते हैं। प्रशासन निष्पक्ष जांच कर रास्ता खुलवाए ताकि हम नुकसान से बच सके। हमने वहां लीगली स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट लगाए हुए हैं। माइनिंग कारोबारी ने बताया कि हमारी माजरी टापू में स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद हमने यह कार्य शुरू किया था। पिछले 8 महीने से वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा था, परंतु 1.5 महीना पहले साबरपुर गांव के कुछ शरारती लोगों ने, जो हमारी उत्तर प्रदेश से गाड़ियाँ आती है माल लेने के लिए वाया थर्मल होकर, क्योंकि यह रास्ता छोटा पड़ता है, 1.5 महीने से ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा है और सड़कों पर बैठे हैं। आने जाने वाली गाड़ियाँ हमने अपने ज्ञापन के साथ फ़ोटो भी दी है, ड्राइवरों से मारपीट भी करते हैं और ड्राइवरों से गलत उगाही भी करते हैं। हमारे माजरी टापू में स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। पिछले 7-8 महीने पहले हमने सभी सरकार से जरूरी NOCs लेकर के, सभी लाइसेंस लेके वो लीगली लगाए हुए हैं स्टोन क्रशर, और पिछले 6-7 महीनों से वो ठीक ठाक वहाँ काम चल रहा था।
परंतु डेढ़ महीना पहले साबेपुर गांव के कुछ शरारती लोगों ने, जो हमारा यूपी से हमारी गाड़ियां आती हैं माल लेने के लिए, वो इसी रास्ते से आती हैं वाया थर्मल होके, क्योंकि ये रास्ता छोटा पड़ता है, वो गाड़ियां उन्होंने रास्ता रोक दिया है और डेढ़ महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं। उसकी वो नाजायज तंग भी करते हैं, हमने अपने मेमोरेंडम में उनकी फ़ोटो भी दी है और ड्राइवरों को पीटते भी हैं, और कुछ उनमें से लोग ड्राइवरों से गलत उगाही भी करते हैं। इसकी हमने पिछले काफ़ी दिनों से प्रशासन के थाने में भी हमने कंप्लेंट की और दूसरे अधिकारियों से भी हम मिले, तो उस संबंध में हमारी उनसे फिर बातचीत भी हुई, और बातचीत में दो तीन बार मीटिंग हुई और वो रास्ता खुल नहीं पाया, अभी वो रास्ता बंद ही था। तो दो तीन दिन पहले फिर दोबारा से एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कुछ सहमति बनी थी, तो कुछ लोग हमारे फिर जब ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई तो घनश्याम दास जी के पास भी गए, विधायक जी के पास, क्योंकि उनका एरिया पड़ता था, उन्होंने स्पीकर साहब से बात की, फिर स्पीकर साहब ने भी तीन चार दिन पहले एक मीटिंग बुलाई, गाँव वालों को भी बुलाया, क्रेशर वालों को भी बुलाया, जगाधरी रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, वहाँ बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने डीएसपी साहब की ड्यूटी लगाई, भई आप दोनों तरफ से पाँच पाँच आदमी लेके और इसका सौहार्दपूर्ण इस समस्या का समाधान करवा दो। तो वो पाँच पाँच आदमियों को लेके परसों मीटिंग हुई, परसों कुछ बात नज़दीक लगी, कल दोबारा फिर मीटिंग हुई, परसों बाद नज़दीक लगने से पहले इन्होंने मीडिया में गलत सलत प्रचार भी किया, सरकार के बारे में भी गलत सलत प्रचार किया, गलत एलिगेशंस भी लगाए वहाँ इन्होंने जानबूझ करके, ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, और मीडिया में बहुत गलत प्रचार किया, उसका हमें बड़ा अफसोस है, इन्होंने बहुत गलत किया है वो। और उसके बाद फिर भी हमने भी चलो सौहार्द, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमें झगड़ा तो करना नहीं था, हमें तो अपनी काम चलाना था, रास्ता खुलवाना था, लीगली रास्ता है सरकार का, उसको बंद नहीं कर सकते ये, हमें दूसरे रास्तों का भी पता था, क्योंकि अगर एक घंटा भी किसी सड़क पर कोई बैठता है तो मुकदमे दर्ज होते हैं, पर हमें किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कराने थे, हमने तो अपना काम चलाना था, पर ये उस बात को समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। फिर भी परसों इन्होंने, मतलब ये जो गाड़ियां वहां से निकलती हैं उन गाड़ियों से ये पूछते हैं तुम्हारी पर्ची रॉयल्टी की कहाँ है, तुम्हारा बिल कहाँ है, तुम ओवरलोड हो, मतलब सारे अधिकार प्रशासन के इन्होंने ले लिए हैं। अगर वहां से ये कहते हैं भी बहुत ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, अगर ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं तो ये प्रशासन का काम है कि वो रोके या चलाए, इन लोगों का तो काम नहीं है ना कि ये किसी को रोके और चलाए। 12 बजे के करीब बैठ के मीटिंग हुई, तो पांच सात आदमी इनके थे, पांच चार आदमी हमारे थे, तो ये कहने लगे भी दिन में आप एक से पांच खाली गाड़ियां ले आना और रात को 9 से सुबह 5 बजे तक भरी हुई गाड़ियां आपकी निकलवा देंगे और आप शुरू कर लो इस काम को। हमने तो इनको कहा भाई रास्ता में आने और जाने के लिए दोनों चाहिए, अगर आप हमारी खाली गाड़ियां इस दिन में मंगाओगे तो भरी हुई कहाँ से जाएंगी, और आज आप रास्ता रोकते हो, दूसरी जगह से हम गाड़ियां निकालेंगे वो भी रास्ता रोकेंगे, तीसरी जगह से निकालेंगे तो वो भी रोकेंगे, इसका मतलब रिवायत हो जाएगी, ये सभी रास्ता रोक लेंगे, चल नहीं पाएगा काम। तो चलो फिर भी हमने एडजस्टमेंट की, भाई एक से पाँच तक खाली गाड़ियां आएंगी दिन में और रात को 9 से सुबह 5 बजे तक भरी हुई गाड़ियां जाएंगी, ये हमने मान भी ली इनकी बात। रात को हमारी गाड़ियां आनी शुरू होगी, जब हमारी गाड़ियां आनी शुरू हुई रात को, फिर इन्होंने वही उड़दंगबाजी शुरू कर दी वहां सड़क पर बैठ के, भाई इनसे पूछने वाला हो गया इनका क्या अधिकार है सड़क पर चेकिंग करने का, गाड़ियों को रोकने का, ये अंडरलोड है, ये ओवरलोड है, इनके पास बिल है, रॉयल्टी की स्लिप है या नहीं है, ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएंगी, बस वो मुंह में खून लगा हुआ है ना, वही बीमारी थी उनको, दोबारा फिर उनके साथ वही मारपीट। एक हमारे मेमोरेंडम के साथ हमने एक फोटो लगाई हुई है, क्लिप्स हैं हमारे पास, हम आपको दे देंगे वो, जो जो जिस तरह से इन्होंने ड्राइवरों को पीटा है, हरास किया है वहाँ, और इस तरह से अगर जो आदमी हापुड़ से चल के, मेरठ से चल के, गाजियाबाद से चल के यहाँ आएगा ड्राइवर, उस आदमी को तो कोई पकड़ के पीट लो बेचारे को, और ये यहाँ वहाँ 100-50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और मेन मुद्दा शॉर्ट में बताऊं ये कि गांव की आपस की पार्टीबाजी का भी है, वहाँ साबेपुर गांव के 2-4 आदमियों के क्रेशर लगे हुए हैं, उनका और उनका पॉलिटिकल आपस में झगड़ा है, उनमें कोई क्रेशर वाला नहीं था, कोई स्क्रीनिंग वाला नहीं था, उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकल ट्रैक्टर ट्रालियां भी चलती हैं, गाड़ियां भी चलती हैं। रात को अब किसके साथ इनका झगड़ा हुआ, या इन्होंने अपने आप ही हो झगड़ा करवाया षड्यंत्र से, भाई दिखा दो मीडिया में दिखा दो जी, हम तो पीट दिए जी, मार दिए, क्योंकि रास्ता खुल गया था, दिन में मीटिंग हो गई थी, रास्ता खुल गया था, इनको लग गया था भी रास्ता चलेगा, ये तुम्हारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। जब दिन में मीटिंग हो गए और सारी
शेड्यूल बना दिया, 1 से 5 चलेगी, रात को 10 से या 9 से सुबह 5 बजे तक चलेगी, तो इनको सड़क पानी की जरूरत ही नहीं थी। तो इन्होंने दोबारा फिर वो रात को अपने आप ही झगड़ा किया या किसी और ने किया, हमें नहीं मालूम है, हमें जानकारी नहीं है इस बात की। अब आप क्यों आए हो? अब हम ये इसलिए आए हैं कि जो हमारा रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है, वो हमारे पास गाड़ियां नहीं आ रही है, हमारे धंधे बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वहाँ, 24-25 स्क्रीनिंग और स्टोन क्रेशर लीगली सभी NOCs और लाइसेंसेज लेके वहाँ लगाए हुए हैं। सरकार को हम रेवेन्यू देते हैं, सरकार ने वहाँ 3-4 घाटों की ऑक्शन की हुई है, मंडोली, गगड़, कनालसी और बीड़ टापू। शिव शक्ति लक्ष्मी मेमोरियल स्कूल में हुआ इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन, बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों से कराया अवगत। शिव शक्ति लक्ष्मी मेमोरियल हाई स्कूल द्वारा इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के होनहार छात्राओं को हाउस कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल बनाया गया। कार्यक्रम में एक्स प्रा मिलिट्री ऑफिसर SK शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और चुने गए बच्चों को शपथ भी दिलवाई गई। सुनीता शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम पहली बार स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, बच्चों में कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह भी देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया व भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में छोटे बच्चों द्वारा कल्चर एक्टिविटी भी कराई गई, जिसमें बच्चों ने सुंदर कला का प्रदर्शन कर समा बांध दिया। स्टेज पर उनको बुलाकर चीफ गेस्ट आए थे हमारे मिस्टर SK शर्मा, रिटायर्ड मिलिट्री पैरा से ऑफिसर से रिटायर्ड मिलिट्री पैरा फोर्स से, तो उनसे हमने ये ऐसे लगता है ना जैसे एक आर्मी वाले कैसा काम करवाते हैं, तो बच्चों को ये लगे कि हाँ हमें किसी ने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमने उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया और बच्चों को शैसे और उनके बैज बनवाए और साथ में एक छोटी सी कल्चर एक्टिविटी भी करवाई गई, जिसमें छोटे बच्चों ने कल्चर इवेंट्स करके दिखाए। फर्स्ट टाइम जैसे हमने करवाया, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने बकायदा इस बात की ओथ ली कि हम जो स्कूल ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, हम उसको पूरी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते। बच्चों में तो बहुत ज़्यादा उत्साह। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।